देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें हरियाणा को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को राष्ट्रीय राजधानी के लिए जारी करे, ताकि यहां का जल संकट दूर किया जा सके। संतकबीरनगर जिले में मतगणना कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण आज यानी 3 जून को HR इंटर कॉलेज में होगा। बता दें कि उक्त जानकारी प्रभारी अधिकारी कार्मिक संत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि दूसरे प्रशिक्षण में सभी कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो 3 कार्मिक पहले प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे। यदि वे दूसरे प्रशिक्षण में नहीं शामिल हुए तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम द्वारा संचालित इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम BTEC तथा डुअल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो गए। बता दें कि अंतिम तारीख 14 जून है, साथ ही 15 जून को रैंक लिस्ट जारी कर दी जाएगी तथा 17 जून से सीट अलॉटमेंट शुरू होगा। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE पर टोल टैक्स की दरों में 5% तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दरों में संशोधन के बाद 4 पहिया या हल्के वाहनों को 45 रुपए से 160 रुपए के बीच टोल देना होगा, जबकि भारी वाहनों को तय की गई दूरी के आधार पर 40 रुपए से 250 रुपए के बीच टोल देना होगा। बरेली सिटी लालकुआ के बीच आज से विशेष डेमो ट्रेन का संचालन शुरू होगा। बता दें कि बीते शुक्रवार को रेलवे ने इसकी समय सारणी जारी कर दी है। ये ट्रेन बरेली सिटी लालकुआ के बीच 9 स्टेशनों पर ठहराव लेगी। 129 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इससे रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों का सफर आसान हुआ है। हल्द्वानी में आवासीय खेल छात्रावास के ट्रायल के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में आज से प्रवेश फॉर्म मिलने शुरू होंगे। बता दें कि नैनीताल के प्रभारी जिला खेल अधिकारी वरुण बेलवाल ने बताया कि 14 और 15 जून को सुबह 7 बजे से गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट के लिए ट्रायल लिए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। बता दें कि ये प्रक्रिया 15 जुलाई तक चलेगी। विद्यार्थी महाविद्यालय के कार्यालय से आवेदन फॉर्म हासिल कर उन्हें जरूरी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय PG कॉलेज दौसा के स्वयं पाठी छात्र छात्राओं की BA पाठ द्वितीय व तृतीय वर्ष भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा आज यानी 3 जून को एक होटल के पीछे माधव कॉलेज में होगी। बता दें कि प्रायोगिक परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अटल आदर्श एवं आमड़ी में आज से रामलीला की शुरुआत होगी। बता दें कि संयोजक वीना भट्ट ने बताया कि प्रवासी क्षेत्रवासियों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए जून माह में इसका आयोजन होता है। अधिकांश स्कूलों में अवकाश होने से बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने पहुंचते हैं। वहीं शिक्षकों का गाँव होने से जून माह में वह रामलीला आयोजन में पूरी भागीदारी निभाते हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका है। बता दें कि इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1941 में भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पाल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1970 में आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ तालारी रंगैया का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1994 में सामुदायिक नेतृत्व त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2004 में केनफोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने थे। आज ही के दिन सन 2011 में हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ तथा 3 बार के मुख्यमंत्री भजन लाल का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।